मेरे हाथ में है काजू कतली, और आपको पता है फेस्टिवल का सीजन आ रहा है। कितनी बारी आप अपने आप को रोक लेते हो ये सब मिठाई? करीब 45 मिनट्स, और उससे पहले मैं खा रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स का चिकन बर्गर, फुल मील है, मुझे पूरी एनर्जी मिल। हेलो गाइस, तो हम आज बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। मे बी आई थिंक इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों को जो उनका फ़ैन फॉलोइंग है उनको बुरा लगेगा, तो मे बी वो गाली देंगे या जो भी है, फिर वो वीडियो देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बट देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ रियल फैक्ट पर बात करने वाला हूँ। इससे अधिक किसी भाई को, किसी भी लोगों को अधिक इससे प्रॉब्लम दुख होता है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। बट ये जो फैक्ट है ना, वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो रियलिटी है वो तो हम बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम आज बात करते हैं, देखो तरुण गिल को लेकर। देखो तरुण गिल भाई, मतलब लाइक अभी पिछले जब से वो कम बैक करा उन्होंने, वीडियो बहुत अच्छा लगा हम लोग को, आपने देखा होगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना, मैंने बहुत अप्रिशिएट, लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बहुत सारे लोग RIP वगैरह ये सब मैंने बोला, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था उस पर, आप जाकर चेकआउट करना। तो मैं पहले बता दूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं ये भी बता दूँ कि मैं जब मिस्टर नॉर्थ इंडिया कॉम्पीट कर रहा था तो वो वहाँ पर आए थे, मैंने उनसे मिला। बट देखो जो रियलिटी है वो तो बोलेंगे। तो अभी आजकल ना वो एक ट्रेंडिंग लाइक वीडियो बना चुके हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। तो यार इससे कहीं ना कहीं क्या है ना कि हमारे यूथ को ना गलत नॉलेज जा रहा है। तो इस पे मैंने सोचा एक वीडियो बनाना चाहिए जो कि फैक्ट है। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो भी बताना, यदि गलत लगेगा तो भी बताना, मेरे को नो प्रॉब्लम, गाली भी दोगे इट्स ऑल राइट, क्योंकि यार फैक्ट है। सोचना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये गलत है? यदि गलत है तो गाली दे देना, कोई बात नहीं, बट मैं फैक्ट पे बात करने वाला हूँ। देखो क्या है ना कि ये बता रहे कि ये खा लो, काजू कतली खा लो, केक खा लो, फ्रूट बियर पी लो, चॉकलेट खा लो, इससे भी बॉडी बन जाता है। देखो मेरा इतना बढ़िया बॉडी बन रखा, उन्होंने ऐसा लाइक हर एक वीडियो में बोल रहे, कुछ ना कुछ इस वीडियो में ये खा रहे, पान खा रहे। देखो तो बस मेरे को एक बात बताना कि बहुत बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं जिनको देखकर सारे यूथ उनको देखकर सीखते हैं कि ये करने से, ये ऐसा एक्सरसाइज करने से इसका ये बेनिफिट होता है, ये खाने से ये बेनिफिट होता है। तो जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन पे ये गलत इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आप एक बड़े क्रिएटर है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप यूथ को अच्छा रास्ते पर अच्छा चीज़ को दिखाएँ, अच्छे चीज़ को बताएँ, जो कि आपको इतने दिनों से लाइक इतने लोगों आपको फॉलो कर रहे थे, आप बहुत सारे अच्छे नॉलेज देते थे, सभी लोग आपको देखते थे, और एक अचानक मतलब पता नहीं क्या हुआ, आप इस तरीके से वीडियो बना रहे हो जो कि बिल्कुल गलत है। आप कहते हो काजू कतली खा लो, उससे बॉडी का फैट परसेंट नहीं बढ़ेगा ये। अब मुझे आप लोग बताना कि देखो यदि ऐसा है, काजू कतली खाने से यदि फैट परसेंट नहीं बढ़ता है, केक खाने से कुछ नहीं होता है, बियर पीने से कुछ नहीं होता है, पान खाने से प्री वर्कआउट और पता नहीं क्या क्या जो भी है, तो मुझे बताओ जब आप कंपटीशन सेरू क्लासिक आपने कॉम्पीट करने वाले थे, या आपने नरेश सूर्या क्लासिक कॉम्पीट करा था, मिस्टर UP कॉम्पीट करा था, क्या उस टाइम आप काजू कतली खाते थे? आप लोग बताना, क्या आपने केक खाया था उस टाइम? तो आप डाइट में ये खाते थे, बॉयल चिकन खाते थे, सारा चीज़ आप बहुत प्रॉपर तरीके से जो ऑन द पॉइंट ऑन द लेवल जो होता है एक प्रो लाइक वैसे आप करते थे। आज ऐसा क्या इंस्टेंट हो गया लाइक कि काजू कतली खाने से भी बॉडी बनने लगा? उस टाइम तो ऐसा नहीं होता था। तो ये सोचने वाली बात है। दूसरा ऑन द पॉइंट की बात करते, देखो आप बड़े जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ना, जो या फिर बड़े बड़े प्रो लेवल का एथलीट्स हैं, तो वो उस चीज़ को जानते हैं कि कब क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या उनको किस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे तो उस चीज़ को लाइक अच्छे तरीके से क्या यूटिलाइज कर सकते हैं या क्या है नहीं है, वो पूरे प्रॉपर। लेकिन जो एक हमारे आपके जैसे जो यूथ है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो बच्चे आपके वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो आपको आपका ही वीडियो देखकर सीख रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं यदि आप गलती करोगे तो वो भी गलती करेंगे। और आप पता नहीं, आप ऐसा वीडियो में सिर्फ करके दिखा रहे हो, रियल में तो ऐसा नहीं लगता है कि आप डेली काजू कतली और केक और पर डे फ्रूट बियर प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में आप पीते होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप वीडियो में दिखा रहे, एक वीडियो के वजह से पता नहीं कितने सारे लोग का क्या है नहीं है, गॉड नो। तो सोचने वाली बात है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है ना कि यदि काजू कतली और केक खाने से यदि बॉडी बनता, या फिर आप मतलब जो भी आप दिखाना चाहते हैं, तो इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है इस दुनिया में, ठीक है, जे कटलर, फ्लिप, बिग रेमी, मैन फिक में, जर्मन मुंडिया, बहुत सारे, आज तक आपने किसी से ये चीज़ सुना?
मैं बस आप लोग से भाई पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी इंडिया का, चलो बात कर लेते हैं सुनीत यादव, संग्राम चोगले, यतेंद्र सिंह, किसी भी एक बॉडी बिल्डर को उठा लो जिन्होंने आज तक कभी ऐसा कहा कि भाई ये मत खाओ वो मत खाओ, फिर इन्होंने एक वीडियो में ये भी बोला कि 1970 के गुरुजी के पैर लात मारो फलाना, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ फिर से कि मैं क्रिटिसाइज नहीं, बस रियल फैक्ट पे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो क्या है ना, मैं बोलता हूँ मैं भी बहुत अच्छे से लाइक तरुण गिल को जानता हूँ, मैंने बोला ना उनसे मैंने मिला, आप इस फोटो को भी देखो, जब मैं कॉम्पीट कर रहा था तो वो वहाँ पे आए थे, मैं उनसे बोला बहुत अच्छे अम्बल बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन मेरे को नहीं पता किस क्यों ऐसा वीडियो बना रहे जो कि ये मेरे को लगा गलत है। तो मैंने सोचा यार जहाँ तक हो फैक्ट की बात करें, जहाँ से लोग को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए, तो यही चीज़ है सिंपल सी। और देखो जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो कभी चीट मिल वगैरह भी करते हैं ना, तो वो उस टाइप का ट्रेनिंग जानते हैं किस तरीके से वो ट्रेनिंग करेंगे तो मैनेज कर सकते हैं उस चीट मिल को। लेकिन आप यदि बोलते हो कि वर्कआउट के बाद ये फ्रूट बियर पीना चाहिए, तो काजू कतली खाना चाहिए, तो केक खाना चाहिए, तो चॉकलेट रात में खाना चाहिए सोने से पहले, या फिर जो भी व्हाटएवर जो भी है, तो जब पर डे यदि आदमी यही सब खाएगा तो वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, अदरवाइज अदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये सब खाने से। तो बस मेरे को एक जवाब चाहिए कि फिर आप नरेश सूर्या क्लासिक में, मिस्टर यूपी में, जहाँ जहाँ आपने कॉम्पीट करा या पहले भी आपने बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करा, तो फिर आपने ये सब क्यों नहीं खाते थे, आज फिर आप ये सब क्यों खाने लगे। आप सेरू क्लासिक में कॉम्पीट करने वाले थे तो क्या आप केक खाकर सेरू क्लासिक में कॉम्पीट करोगे? तो ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। तो जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे, और 100 बात की एक बात कि देखो ये सब खाने से ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा। आपने जो गोल सेट कर रखा है कि हम मसल्स गेन करें, ये करें वो करें, तो काजू कतली खाने से नहीं होगा। वीडियो में पता नहीं लोग कुछ और दिखाते हैं, रियल लाइफ में कुछ और करते हैं, आई डोंट नो, बट ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा तो ठीक है, आप लोग अपना कमेंट करके, अपना अपना जो भाई लोग है ना वो लोग, आप भी अपना कमेंट करके बताओ क्या ये चीज़ सही है या गलत, आप अपना भी फैक्ट रखो, ठीक है। बाकी अच्छा लगा तो ठीक है, यदि किसी को बुरा लगा इस बातों से तो उसके लिए सॉरी, बट ये फैक्ट है कि काजू कतली और केक और चॉकलेट और बियर पीने से बॉडी नहीं बनेगा। वीडियो में कुछ और हैं, रियल लाइफ में इंसान कुछ और करता है। तो डैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।